ऐसी मौत कि जिसमें बच्चे यतीमी के खौफ से सहम जाएं, माएं जीते जी मर जाएं और सुहागने अपने हवास खो दें। एक ही दिन में कई कई घरों से अर्थियां उठें, कई कई घर उजड़ जाएं। हर दूसरे महीने ऐसी ही दिल दहला देने वाली खबरें आती हैं, कभी उत्तर प्रदेश के फूलपुर से तो कभी पंजाब के गुरदासपुर से। लेकिन अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल करने वाले जिम्मेदारों के मुर्दा जमीरों में कोई हलचल पैदा नहीं होती। कुछ गिरफ्तारियां, कुछ लिखे बयानात और फिर वही सब धंधा शुरू हो जाता है। लेकिन शोर सिर्फ तब उठता है जब दर्जनों अर्थियां उठती हैं, वरना एक दो मौतें तो खबरों की अंधीवादियों में गुम हो जाती हैं। जिम्मेदार कितने जिम्मेदार हैं वो आप खुद फैसला कीजिएगा कि आवाज की टीम जो काम इस प्रोग्राम में करेगी वो करोड़ों के बजट वाले विभाग क्यों नहीं कर पाते, जिनका दरअसल काम ही इन बुराइयों को खत्म करना है। वो खबर भी गुजर गई और ये साल भी लगभग गुजरने वाला है कि जिसमें बीते कुछ महीने पहले ही पंजाब में जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कि जिसमें शादी में आए दो लोगों ने आधी रात गए ब्लैक में शराब खरीदी और एक ने शराब पीकर दूसरे की निर्मम हत्या कर दी, जहां ठेके बंद होने पर शराब को गैर कानूनी ढंग से बेचने के लिए घर पर ही लाखों का माल दबा रखा हो, कि जिस सूबे में शराबबंदी कागजी तौर पर कानून की शक्ल में मौजूद हो लेकिन जमीन पर अरबों की शराब के कारोबार की खबर अखबारों में काबिज हो। इस सब को रोकने की कोशिश में आवाज की टीम तो अपना काम करेगी ही, लेकिन ये जिनका काम है वो क्या करेंगे? नमस्कार, मैं हूं कावेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं आवाज। आवाज की टीम ने अब तक हर कोशिश की है हर उस आवाज को उठाने की जिनकी आवाज या तो दब गई या दबा दी गई थी, और आज एक बार फिर अपना फर्ज निभाते हुए आवाज की टीम आवाज़ उठाएगी हर उस गैरकानूनी ढंग के खिलाफ जिसको सिस्टम ने एक सिलसिला बना दिया था, जिसको सिस्टम ने बहुत आम बना दिया था। आज हम बात करेंगे शराब के उस काले कारोबार की, जहां पर शटर के नीचे से रात में शराब बिकती हो, जहां पर नकली शराब का ठिकाना होना बहुत आम हो चुका हो, जहां पर एक सूबा 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा का टैक्स वसूल लेता हो, वहाँ पर किस तरह से रात में ये जो पेशेवर हैं किस तरह से अपना धंधा चलाते हैं और कितना वसूल लेते हैं, इसकी पड़ताल की आवाज़ की टीम ने। आवाज़ की टीम ने तमाम उन ठिकानों पर जाकर पड़ताल की जहां पर नकली शराब या तो बनती है या फिर रात में गैर कानूनी ढंग से शराब बेची जाती है। क्यों ये बताइए, कितने का था और कितने का मिला आपको? 400 मिला भाई। 400 का मिला। और ओरिजिनल कितने का आता है? 340 का आता है। 400 का दिया आपको? दिया। ये रोजाना मिल जाता है? भाई पता नहीं, हम शादी में हमें ना पता। 20 रुपए काटो, 10 रुपए ले लो, 10 रुपए ज्यादा। चलो 130 का दे दो फिर तुम। अरे और का चक्कर में यार, फिलहाल तो लेगा तो मैं बजा बीती का देगा फिर। ये दिलाओ, ये दिया चचा। अरे चचा, ठीक ठीक चलो। क्या टाइमिंग्स हैं इस समय ठेके की? 10 बजे खुलेगा, रात को 10 बजे बंद होगा। दीदी की टाइमिंग्स जो है यहाँ पर मॉडल शॉप्स की वगैरह क्या है, और इनके बाद अगर कुछ भी कोई खोलता है? बेशर्मी और झूठ की इंतहाई करते ये सेल्समैन जो रात में बेखौफ होकर शराब बेचते नजर आए थे, दिन के उजाले में हमने इनसे जब इनकी दुकान पर जाकर बात की तो अल्फाज स्पष्ट थे, लेकिन झूठ की चाशनी में लिपटे अल्फाजों को आईना दिखाती है तस्वीरें भी मौजूद थी। मॉडल शॉप है, ये कहाँ पर है? खोड़ा, ये गाजियाबाद में पड़ता था। ये बताइए, ये जो यहाँ की टाइमिंग्स होती हैं ये सरकार की टाइमिंग्स के हिसाब से चलता हुआ है, क्या टाइमिंग्स हैं इस समय ठेके की? 10 बजे खुलेगा, रात को 10 बजे बंद हो जाएगा। सुबह 10 बजे खुलेगा, रात को 10 बजे बंद हो जाएगा। रात के 10 बजे के बाद बंद हो जाता है तो फिर और अगर किसी को शराब पीनी हो या शराब लेनी हो वो कैसे ली जाती है फिर? यहाँ नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता, यहाँ कहीं भी नहीं मिल सकता। हम तो बेचते हैं, हम रूम ले रखे, रूम में रहते हैं।
जाते हैं, तो 10 बजे के बाद बंद, तो मतलब ठेके बंद हो जाते हैं, इसके बाद लेने की कोई प्रक्रिया नहीं है, कहीं भी नहीं मिलता है इसके बाद। हाँ, इधर नहीं मिलेगा। खैर, तमाम सबूतों को इकट्ठा कर हम आबकारी विभाग के आला अधिकारी के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया। हालांकि हमारी बातें रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो सिर्फ कार्रवाई के नियम बताते रहे। अब बैठिए। देखिए टाइमिंग्स जो है यहाँ पर मॉडल शॉप्स की वगैरह क्या है, और इनके बाद अगर कुछ भी कोई खोलता है या नीचे से सप्लाई करता है या ब्लैक मार्केटिंग करता है, तो इसके लिए किस तरीके का, मतलब आपकी तरफ से क्या काम किया जाता है, किस तरीके से कार्रवाई की जाती है? देखिए, हमारे जो टाइमिंग है वो 10 से 10 की है, ठीक है ना, और समय से पूर्व खुलने या समय से बाद खुलने पर जो है वो वहाँ पे प्रावधान है, उसके अर्थदंड अर्थदंड दिया जाएगा, ठीक है। और अगर ओवर रेट चार्ज करता है तब भी अर्थदंड 75,000 रुपये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम 1.5 लाख रुपये, और थर्ड टाइम कैंसिलेशन तक के प्रॉब्लम। और समय से पूर्व खुलने और समय से बाद खुलने पर 2,500 रुपये पर एपिसोड, मतलब 2,500 पहली बार, दूसरी बार 5,000 रुपये, तीसरी बार 10,000 रुपये, इस तरह का वो है। अच्छा सर, मतलब आप हालांकि आप किसी जिले को देखते हैं, यूपी के कई जिलों में इस तरीके की होती है चीज़ें कि रात में मतलब नीचे से ब्लैक मार्केटिंग करना, मतलब ऐसा इस तरह की जनरल शिकायतें नहीं होती, मतलब कहीं किसी पर्टिकुलर शॉप की कोई शिकायत आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई होती है, उसमें जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाती है। वहां से निकलते समय हमने फैसला कर लिया था कि यूपी के नोएडा से शुरू हुई इस तफ्तीश को हम सूबे के हर जिले में जारी रखेंगे। हमने कई रातों जागकर अपनी शानदार टीम के साथ काम किया और जरूरी मालूमात इकट्ठे किए, जिसके बाद जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है। स्क्रीन पर दिख रही तमाम तस्वीरें यूपी में बिहाइंड द सीन चल रहा शराब कारोबार है। ये सूबे का सूरत हाल है कि जहाँ के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते कहते थक गए होंगे, लेकिन अधिकारी हैं जो उनकी बातों पर पलीता लगाते नहीं थक रहे। हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिनका ये काम है अगर वो अपना काम शिद्दत से कर लें तो यकीन मानिए इनकी जड़ें उखाड़ने में, अपनी तारीफों के पुल बांधते, प्रेस रिलीज जारी करने से भी कम का वक्त लगेगा। आवाज की टीम ने अपने हिस्से का काम किया, रिस्क लेकर, खतरा मोल लेकर, जितना सच आपको दिखा सकते हैं दिखाते हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं करते हैं, लेकिन हम सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं। असली काम प्रशासन को करना है, कानून और पॉलिसी सरकारों को बनानी है, और यकीन मानिए प्रशासन अगर चाहे तो इस तरह की बुराई को जड़ से उखाड़ सकता है। आवाज की टीम ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने का फर्ज अदा करते हुए अपने हिस्से का काम किया। अब अगर इस काली कमाई का कारोबार जारी रहता है और कानून की धज्जियां इसी तरह उड़ती हैं, अब अगर कच्ची शराब पीने या आधी रात में शराब लेकर हुई दुर्घटना से किसी की मौत होती है तो उसे मौत नहीं कत्ल कहा जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि अगर किसी का कातिल नामालूम हो तो उसका कातिल वक्त का हुक्मरान होता है। हमको पता है कि जिस देश के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली पर मिलावटी मिठाइयों का मिलना भी आम बात हो, जहां नकली सब्जियों से लेकर प्लास्टिक के चावल मिलना तक खबरें बनती हों, वहां भला किसे पड़ी है नकली शराब बनाना, नकली शराब बेचना, समय से पहले शराब को बेचना, समय के बाद शराब को बेचना, भला कौन इस पर कार्रवाई करेगा और कौन क्यों इतनी जहमत उठाएगा? लेकिन खतरे में जाती इन तमाम जिंदगियों को देख हमने अपने हिस्से की क्षमा जलाने की कोशिश की है।